हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टुपा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम की एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। 39 डेज का चैलेंज है जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट यानी थॉरली कॉन्सेप्चुअल वे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आज का है डे 9 जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जिन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं या प्रीवियस चैप्टर्स को अभी तक रिवाइज नहीं किया है, डेफिनेटली मेरे प्रीवियस वीडियो सारे चेक कर ले, देख ले, समझ ले। कोई भी क्वेरी मन में आए, तो कोई भी डाउट आए, तो आप मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा, मैं आपकी क्वेरी दूर करवा दूंगा। राइट, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और डेफिनेटली लाइक कीजिए, जिससे मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेके हाजिर हो सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सिंपल इंटरेस्ट के साथ, डे 9। यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000, रेट परसेंट है 6.14% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 4 फेब 2099 टू 18 अप्रैल 2009। तो बहुत ही सिंपल डेटा दिया हुआ है आपको। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही है क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल, हम डाटा को एक बार लिख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹3000, रेट परसेंट दिया हुआ है आपको 6 1/4। 6 1/4 का मतलब 4 6 24 + 1 25, that comes 25/4%। ओके, और टाइम जो है वो हमारे को दिया हुआ है 4 फेब 2009 से लेकर 18 अप्रैल 2009। ठीक है, तो अब पहले इसे हमें डेट को निकाल लेना पड़ेगा, यानी कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड को निकाल लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, देखिए फरवरी जो है 2009, यानी कि ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है कि 29 का होगा, ये 28 का ही होगा। तो 4 से शुरू किया, तो 28 में से 4 को पहले हम माइनस कर देते हैं, 28 में से 4 को पहले हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 तो आ जाएगा फेब का। ठीक है, प्लस फरवरी के बाद मार्च, मार्च होता है 31 का। ओके, अप्रैल होता है आपके पास 18 डेज दिए हुए, तो 18 डेज ही लेंगे आप यहाँ पे। ओके, तो इसे टोटल कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, आप देख लीजिए, 4 और 1 5, 5 और 8 13 और 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, यानी 73 डेज बन जाते हैं ये कंप्लीट। राइट, नाउ आपके पास ये फॉर्मूला है, आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल हो गया 3000, ठीक है, आर हो गया 25 अपॉन में 4, ठीक है, और इनटू में डेज जो दिए हुए वो आपको 73 डेज दिया हुआ है, इसे ईयरली में चेंज करेंगे तो अपॉन में 365 और इनटू में ये वाला 100 साथ में आ जाएगा। राइट, बस इसे सॉल्व कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए हम लोगों ने, 73 5 3 65 होता है, 5 से 25 को कैंसिल कर दिया, 5 5 25, राइट, और 2 2 4 2 15 30, सो दैट कम्स 15 × 5/2, यानी कि 15 5 75/2, इट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 2 3 6 2 7 14.5, ठीक है, आपके पास आ गया रुपीज इंटरेस्ट, यानी यही है आपके पास आंसर। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही सिंपल डाटा था। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए देख लेते हैं अब सेकंड क्वेश्चन को भी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन टू ईयर्स, देखिए 2 साल में कोई पैसा कितना बन जाता है, 1008 बन जाता है, ठीक है ना, ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट है, अमाउंट कितना बन जा रहा है 1008, एंड इन 3.5 ईयर्स, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास 3.5 ईयर्स, ये कितना बन जाता है 1164। इसका मतलब क्या ठहरता है, इसका मतलब ठहरता है इन 1.5 ईयर इंटरेस्ट कितना बन जाता है आपके पास 156, ठीक है, देयरफोर इन 1 ईयर, अगर मैं इसको 1 ईयर निकालना चाहूं तो ये कैसे निकलेगा, देखिए पहले मैं करके दिखा देता हूं इसको, ये हो जाएगा आपके पास इन 3/2 ईयर, ये आपके पास है 156, सो इन 1 ईयर, 1 ईयर में ये कितना बन जाएगा 156 इनटू में 2/3, ये पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इससे सॉल्व होके हमारे पास कितना भी आएगा, जितना भी आएगा ये आ जाएगा आपके पास 3 5 15 3 2, यानी कि आ जाता है आपके पास 2 2 4 2 5 10, इतना आ जाता है 1 ईयर में। So in two year इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 104 × 2, यानी कि 2 4 8 0 2 1 2, इतना रुपीज आ जाता आपके पास इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स,
इंटरेस्ट इन टू ईयर कितना आ जाता आपके पास, आपका आ जाता 208। ओके, अब आपके पास इंटरेस्ट आ गया, इसका मतलब आपको पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहां से टू ईयर का केस है ये, तो मैं ये टू ईयर वाले में लगा दूंगा, यहां पे लगा दूंगा। अमाउंट कितना है 1008, ये हो जाएगा 1008 अमाउंट इन टू ईयर्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल, हमें फाइंड आउट करना है, और टू ईयर का इंटरेस्ट कितना आया है 208। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 800। राइट, तो प्रिंसिपल आ गया 800, इसे अगर हम इधर ले जाके माइनस करते हैं सो इट गिव्स अस 800। ओके, प्रिंसिपल 800 आ गया। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है। ओके, सो पी हो गया आपके पास दो साल में पी है आपके पास 800। प्रिंसिपल तो क्या हर वर्ष ही सेम होता है, सिर्फ इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। रेट परसेंट मुझे फाइंड आउट करना है, और टाइम मैंने यहाँ पे टू ईयर्स का लिया अपॉन में 100, और तो सिंपल इंटरेस्ट जो मैं लूंगा वो टू ईयर वाला लूंगा, तो टू ईयर वाला कितना है सिंपल इंटरेस्ट 208। तो ये आ जाएगा मेरे पास 208 इज इक्वल टू 800 इंटू आर इंटू में 2/100। मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, इसीलिए पूरा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहे तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और एग्जाम में तो डायरेक्ट ही करना है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गए आपके, 2 से इसे भी कैंसिल कर ले तो इट कम्स 104। राइट, और फिर हमारे पास आ जाएगा 104/8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो इज इक्वल्स टू आर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता हमारे पास 8 1 8 8 3 24, यानी कि आर इज इक्वल्स टू आ गया 13%। हमारे पास एक तो आर निकालना था, हमें एक तो आर निकालना था दैट इज 13%, और एक निकालना था हमें प्रिंसिपल दैट कम्स 800, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों आंसर आपके पास आ गए, आप इसे एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 20 years। इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास प्रिंसिपल एक्स है तो अमाउंट कितना बन जाता है मेरे पास 3 times, यानी कि 3x बन जाता है। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 20 years में। ठीक है, अब आपको पता है अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास, इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 2x। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 2x। अब क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट बोला था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100। इसका मतलब इंटरेस्ट आया 2x, प्रिंसिपल है x, रेट परसेंट मुझे फाइंड आउट करना है, और टाइम दिया हुआ 20 years बाई 100। मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ चीज को, ये हो जाएगा आपके पास 25 क्रॉस कर लिया तो r इज इक्वल टू 10%। आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 10% आ गई है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर यही पैसा आपको डबल करना हो तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ तो कितना टाइम लगेगा, इन हाउ मेनी इयर्स। इसका मतलब आपको सिंपल बात है, बिल्कुल आपकी जो फंडा बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, प्रिंसिपल तो वही एक्स का एक्स ही होगा, प्रिंसिपल का भी चेंज नहीं होता है, इंटरेस्ट के साथ बढ़ता चले जाता है अमाउंट। ठीक है ना, और अमाउंट अब कितना कह रहा है, वो डबल कह रहा है, तो डबल मीन्स 2x, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास 2x माइनस x मीन्स x। ठीक है, और रेट परसेंट आपके पास दिया ही हुआ है, अभी निकाल लिया था 10%, तो बस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। सो सिंपल इंटरेस्ट आ गया x, ये रहा प्रिंसिपल है x, ये रहा। ठीक है, रेट परसेंट सेम बोला है, यानी कि 10 का 10 ही होगा, और टाइम हमें बताना है, तो x x कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू 10 years। ये आपके पास आंसर बन गया, यानी 10 साल में ये जो है डबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, कोई पैसा अगर 3 गुना बन जाता है 20 साल में तो वही वाला पैसा डबल बन जाएगा कितने साल में, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, यानी कितने साल में बन जाएगा, 10 साल में बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताना है ऑफ ईयर्स इन विच सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट रेट परसेंट इतना विल बी एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ए रुपीज। इसका मतलब सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो पी हो गया आपके पास 2600, यहाँ पे ये दिया हुआ ना 2600। ठीक है, रेट दिया हुआ ये 62/3 का मतलब हो गया 20/3। ठीक है ना, ये 62/3 का मतलब हो गया 20/3%। ओके, और टाइम हमें बताना है लीस्ट नंबर में कि ये जो है एक होल नंबर बन जाए, यानी कि एग्जैक्ट नंबर बन जाए जिसमें कोई फ्रैक्शन या डेसिमल में आंसर ना आए।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यहां पे तभी ये कंप्लीट या एग्जैक्ट नंबर देगा जब हम टाइम को क्या लेंगे, जब हम टाइम को 3 लेंगे, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी का जो नंबर बचेगा वो एक कंप्लीट नंबर बचेगा, या आप कह सकते हैं होल नंबर या एग्जैक्ट नंबर बचेगा जिसमें कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो 3 ईयर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, जिससे कि ऑप्शन में और कोई यानी आंसर में और कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे हम 3 के जगह 6 भी ले सकते थे, 6 भी ले सकते थे, 9 भी ले सकते थे, 12 भी, यानी 3 के फैक्टर्स कुछ भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि हमें लीस्ट बोला, ये वर्ड लीस्ट है तो लीस्ट तो 3 ही आता है 3 के फैक्टर में, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 को आंसर ले लिया, 6, 9 या 12 को नहीं ले सकते, ठीक है, जिससे कि ये एक होल नंबर बन जाए यानी कि एग्जैक्ट नंबर बन जाए बिना डेसिमल या फ्रैक्शन के। बाकी का सॉल्व करेंगे तो एक कंप्लीट नंबर आएगा, एग्जैक्ट नंबर आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, इसीलिए आंसर आ गया हमारे पास 3 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹1550 वॉज लेंट पार्शियली एट 5% एंड पार्शियली एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ₹1550 को दो भाग में बांट लेते हैं हम लोग, एक बांट लिया हमने एक्स में और एक बांट लिया हमने 1550 माइनस एक्स में जो बचा हुआ होगा, ठीक है। पहले वाले को बोला 5% के हिसाब से, तो ये हो गया पी इंटू आर इंटू में टी कितना बोला यहाँ पे, फॉर 3 ईयर्स बोला है, ये लिखा हुआ ना फॉर 3 ईयर्स, इंटू में 3 अपॉन में 100, ये हो गया, प्लस दूसरे वाले के लिए ये प्रिंसिपल हो गया, इंटू आर कितना दिया हुआ 8%, इंटू 8 इंटू में 3 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू दोनों का मिला के कितना बन रहा है, ₹300, ठीक है, बस। तो हमें ये बता रहा है, तो अभी से हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 100, तो 100 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि ये दोनों में नीचे 100 है, ठीक है, तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, तो इट कम्स 5 3 15x, ओके, प्लस 8 3 24, तो 24 इंटू में 1550 माइनस 24x इज इक्वल्स टू 300, ये हो गया, बस इसे हम इधर सॉल्व कर देते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट गिव्स अस माइनस का 9x, ठीक है, और इज इक्वल टू, इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसके साथ, तो इट गिव्स मी 30,000, ठीक है, और ये वाला पार्ट अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं और मल्टीप्लाई करके ऑपोजिट में ले आऊंगा यहाँ पे, तो ये माइनस में आ जाएगा और ये आ जाता आपके पास 0 24 5 120 का 0 12 24 5 120 132 13 24 1 24 और 13 24 13 हो गया 37, ठीक है ना, 37। तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 9x इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0027, इतना आता है, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 9 से इसे सॉल्व कर दिया, 9 8 72 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 800 आ गया। आप सिंपलीफाई अपने तरीके से करें, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हमें क्या बताना है, 5% और 8% के जो अमाउंट था, जो पैसा डिवाइड हुआ था, उनका रेशियो क्या है। तो भाई सिंपल सी बात है, एक्स आया 800, अगर एक्स आपके पास 800 आया, ये वाला पार्ट अगर आपके पास 800 आया है, तो ये वाला पार्ट कितने में आएगा, 1550 माइनस 800 दैट गिव्स यू कितना, 5 750, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 5% और 8% वाले का रेशियो जो आ रहा है, दैट इज 800 अपॉन में 750, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल होता ही है, 515 जा और ये होता 516 जा, यानी आंसर कितना आ रहा है आपके पास, आंसर आ रहा है आपके पास, इसे मैं आंसर को यहाँ पे लिख देता हूँ, 16 अपॉन में 15 आपके पास आंसर है, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना आ रहा है, 16:15, दैट इज योर आंसर, राइट, इट्स वेरी सिंपल, बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, प्लस माइनस का गेम है और कुछ नहीं है, बस पहला इक्वेशन आपका सही होना चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया था, ये वाला इक्वेशन आपका करेक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं है, बाकी तो सब कुछ आपने खुद ही करना है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बाकी सब कुछ आप लोग कर भी लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ये इक्वेशन आपका सही होना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंटरेस्ट अर्न ऑन 15,000 इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट इज 5400। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, अभी तक ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप बस करते जाइए इनको, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला है इसमें, 5400 बोला है,
ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है 15,000 दिया हुआ है, तो ये प्रिंसिपल की जगह हमने लगा लिया। रेट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है, ये रेट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। और टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स लगा दिया। बस वैल्यूज प्लेस करनी है और सॉल्व कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, और बाकी का हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। 3 1 8 0, सो दैट गिव्स अस 180/15 इज इक्वल टू आर। सो यानी कि 15 1 और 15 2, देयर फोर आर इज इक्वल टू 12%। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 12%, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कुछ भी नहीं है, जस्ट वैल्यू को प्लेस करना है इस फॉर्मूले में, बेसिक फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 5 ईयर्स एंड 2 रुपीज इतना इन 7 ईयर्स, ठीक है। यानी कि 5 साल में, 5 ईयर्स में कोई पैसा कितना बन जाता है 5200, और 7 साल में यही पैसा कितना बन जाता है 5680। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन 2 ईयर्स, अभी पीछे हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था, इन 2 ईयर्स इसका इंटरेस्ट कितना बन जाता है 0। ऑब्वियसली हर वर्ष इंटरेस्ट बढ़ता है, प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है, तो जो एड ऑन हो रहा है वो सारा इंटरेस्ट हो रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास 8480। तो इन 2 ईयर्स आपके पास कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 480 आ रहा है, राइट। तो यहां से हम क्या करते हैं, सो इन 1 ईयर हम लोग निकाल लेते हैं, पहले हम लोग 1 ईयर का निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, अगर 2 ईयर का 480 है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, सो दैट गिव्स अस 240 हो गया 1 ईयर का। सो इन 5 ईयर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू, अच्छा 5 साल का कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 और 7 साल का केस दिया हुआ है, तो आइदर आप 5 का निकाल ले या 7 का निकाल ले, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं 5 ईयर का निकाल लेता हूँ, सो दैट गिव्स अस 240 × 5, यानी कि 1200 रुपए, यानी कि आपको 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 1200 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और अमाउंट कितना मिल रहा है आपको, ये अमाउंट है, ठीक है ना। तो 5 साल में आपको अमाउंट कितना मिल रहा है इतना, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल, अभी पीछे भी यही बताया गया था, ठीक है। तो अमाउंट है आपके पास 5200 माइनस इंटरेस्ट है आपके पास 1200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, देयर फोर प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास 0000 और ये आ जाएगा 4, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा बस। तो अब आपने क्या निकालना है, रेट परसेंट निकालना है, इजीली निकल जाएगा। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, यही होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट आप कितने साल का ले रहे हैं, अगर आप 1 साल का ले रहे हैं तो आप ये लीजिएगा, और अगर आप 5 साल का ले रहे हैं तो आप ये लीजिएगा, आपकी मर्जी है। मैं 1 साल वाले से ही कर देता हूं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के केस से ही कर दे रहा हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर के केस से ले ले रहा हूं। तो आ जाएगा 240 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो है मेरे पास हर वर्ष के लिए सेम ही होगा, मैंने कहा प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, हर वर्ष इंटरेस्ट एड ऑन होता जाता है, अमाउंट चेंज होता है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 4000, रेट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे रेट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम हो गया 1 ईयर, क्योंकि मैंने 1 ईयर का इंटरेस्ट लिया हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसे कैंसिल कर देंगे 6, सो दैट गिव्स अस रेट परसेंट इज इक्वल टू 6%, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास 6%, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। यू गॉट माय पॉइंट, बहुत ही इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं एक बार जस्ट और समझा दे रहा हूं। 5 साल में कोई पैसा अमाउंट बन जाता है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर अमाउंट होता है ना, दैट इज इक्वल टू अमाउंट बनता है ना, तो अमाउंट बन जाता है 5200, और 7 ईयर्स में कोई पैसा, यही पैसा अमाउंट बन जाता है 5680। इसका मतलब ये जो बढ़ गया है, ये जो बढ़ गया है यहां से यहां तक, ये कैसे बढ़ गया 2 साल में, ये इंटरेस्ट बढ़ा है, तो कितना इंटरेस्ट बढ़ गया 480 बढ़ गया, ठीक है, इन टू ईयर्स में 480 बढ़ गया। अब जो है मैंने 1 ईयर का पहले निकाल लिया तो दैट कम्स 240, और फिर मैंने 5 ईयर का निकाल लिया इंटू 5 करके, दैट गिव्स अस 1200, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 ईयर और 7 ईयर का केस है अमाउंट का, तो हमें आइदर 5 से या 7 से निकालना पड़ेगा, मैंने 5 का निकाल लिया 1200। तो अब क्या किया मैंने, अमाउंट फॉर 5 ईयर्स माइनस इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर मैंने माइनस कर लिया, तो प्रिंसिपल आ गया मेरे पास 4000। और याद रखिएगा प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, स्टार्टिंग से एंडिंग तक सेम रहता है, सिर्फ इंटरेस्ट चेंज होता जाता है। तो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया 4000।
अब ये 5 साल के लिए भी प्रिंसिपल यही है, 7 साल के लिए भी यही है, 1 साल के लिए भी यही है, किसी भी साल के लिए यही रहेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया और मैंने 1 ईयर के हिसाब से निकाला है। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ था 240, ये निकला हुआ था, तो 240 मैंने यहाँ पे लगा लिया, इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम ले लिया 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर के इंटरेस्ट को मैंने लिया हुआ यहाँ पे, अपॉन में 100 सॉल्व कर दिया, तो आर इज इक्वल टू 6%। मैं समझता हूँ ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, प्लीज मैं समझता हूँ आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, जिन्हें आता वो डायरेक्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। सब कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, मजा आएगा, कॉम्पिटिशन करने का मजा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पीछे क्वेश्चन नंबर 3 जो है करवा दिया है, तो ये जो है रिपीटेड है, रिपीटेड है, सो आप ऑलरेडी इसको कर चुके हैं मेरे साथ, आप ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बात एक ही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर था 10 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाय चांस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इज 25 ऑफ द सम। यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 25 बाई 16 ऑफ प्रिंसिपल, सम मींस प्रिंसिपल। ओके, ये हमें दिया हुआ है। इफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द रेट परसेंट एंड टाइम इन ईयर्स बी इक्वल, इसका मतलब क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू रेट परसेंट, टाइम इज इक्वल्स टू रेट परसेंट, ये भी गिवन है। ठीक है, तो रेट परसेंट कितना होगा हमें ये बताना है, राइट, रेट परसेंट हमें बताना है। इट्स वेरी सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100, यही होता है फॉर्मेट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ हमें, 25 पी बाय 16 हो गया, प्रिंसिपल को पी रहने दिया, रेट परसेंट को हमने आर रहने दिया, और क्योंकि टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए रेट परसेंट है तो टाइम के जगह भी हमने आर लिख लिया, ठीक है, अपॉन में 100, क्योंकि ये दोनों सेम है यहाँ पे, राइट। तो अब हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा, पी से पी कैंसिल हो गया, सो इट गिव्स अस 25 इंटू में ये 100 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 25 इंटू 100 बाई 16 इज इक्वल टू ये आर इंटू आर बन जाता है आर का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाएगा, सो इट गिव्स अस 25 इंटू 100 बाई 16 जो है अंडर रूट के अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो बाकी का पोर्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देयर फोर आर इज इक्वल्स टू ये 25 का स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा 5, 100 का स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा 10, और 16 का स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा 4। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 2 2 5 दैट गिव्स अस 25/2 यानी 12 1/2% का रेट परसेंट है हमारा आंसर। ठीक है, तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा 12 1/2% आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। और अगर क्या था वो हमसे कि टाइम भी बताओ, तो टाइम भी यही हो जाएगा 12 1/2 years, क्योंकि रेट परसेंट और टाइम दोनों ही सेम है, इक्वल है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, रेट परसेंट और टाइम दोनों इक्वल है, तो इस हिसाब से टाइम और रेट परसेंट दोनों ही इक्वल हो जाएगा। ओके, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम टाइम्स। क्वेश्चन दिखने में लगता है थोड़ा टेढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने ठीक ऐसा ही क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, अभी पीछे मैंने किया हुआ है, इसीलिए एक कॉमन क्वेश्चन दे दिया जिससे कि आप रिवाइज भी कर सके। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी बेस का हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। इन 2 ईयर्स 756 अमाउंट बन जाता है कोई एक प्रिंसिपल, यानी कोई एक सम। इट मीन्स इन 2 ईयर्स कितना हो जाता है ये 756, और ये क्या है अमाउंट। ओके, ये क्या है अमाउंट। एंड इन 3 1/2 year, ठीक है, 3 1/2 year में ये कितना बन जाता है, देखिए 873, इट बिकम्स 873, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, पीछे भी मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही बताया था, इन 1 1/2 year, ठीक है, ये कितना इंटरेस्ट बन जाता है, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो इट बिकम्स 717 आ जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, 117 आ जाता है इंटरेस्ट, कितने 1 1/2 year में, राइट, 1 1/2 year में इंटरेस्ट आ जाता है आपके पास 117 rupees। ठीक है, सो मैं कह सकता हूं इन 1 year इट विल बी इक्वल टू 117 × 2/3, बिकॉज इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इट बिकम्स 3/2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, ये 2/3 बन जाएगा, यहाँ पे 2/3 बन जाएगा इन 1 year। तो इसे अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो 3 3 9, 3 9 27, that gives me
टू नाइन जा 18, टू थ्री जा 6, 17, 78 इज आर 1 year इंटरेस्ट. देन इन टू ईयर ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 78 इंटू टू, दैट मीन्स 28 जा 16, 27 जा 14, 115. यानी 2 years में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 156 इंटरेस्ट आपको मिल रहा है. ठीक है, इन 2 year कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 156. ओके, मैंने 2 year का क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास जो अमाउंट का केस है वो आइदर 2 year का है या 3.5 year का है. तो 2 year मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि 2 year से निकालने में इजी होगा, 3.5 year से थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है सिंप्लीफिकेशन. तो 2 year में अमाउंट मेरा था 756 और 2 year में मेरा इंटरेस्ट कितना रहा, 156. सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट. तो अमाउंट कितना है, 756. तो ये हो जाएगा 756 फॉर 2 year था, माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है, 156. तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो इससे मेरे पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाती है मेरे पास 006. यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाता है, 600. आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपके पास, 600 आ जाएगा. ठीक है, अब प्रिंसिपल आपको पता लग गया, एक चीज तो पता लग गया सम, राइट. अब क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, इस पार्ट को मैं इधर कर देता हूं. आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी बाय 100, राइट. सो सिंपल इंटरेस्ट आप 2 साल का लगाएंगे तो यहां पे आपको टाइम 2 years लेना पड़ेगा. अगर आप सिंपल इंटरेस्ट 1 year का लगाते हैं तो आपको यहां पे टाइम जो है वो 1 year का लेना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 year का ले लेते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year दिया हुआ है 78. ये देखिए इंटरेस्ट आपके पास 78 था 1 year का, और प्रिंसिपल आ गया 600, और रेट परसेंट हमें फाइंड आउट करना, टाइम ले लिया 1 year बाय 100. ओके, 20 से 20 कैंसिल, 6 से कैंसिल, 61 जा 63 जा, देयरफॉर रेट परसेंट इक्वल टू 13. सो आपके पास इसका मतलब 2 आंसर निकालने थे, एक तो था आपको प्रिंसिपल निकालना था, तो प्रिंसिपल हो गया 600, और साथ ही रेट परसेंट निकालना था, रेट परसेंट हो गया 13%. तो सेम इसी बेस का क्वेश्चन अभी पीछे हम लोगों ने किया था, और उस हिसाब से हमारा ये भी क्वेश्चन ठीक उसी पैटर्न पे हो गया. ठीक है, मान लीजिए रिवीजन है आपका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी दिस क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है 4:5. ठीक है, पहले तो ये बोला हुआ है, इट मींस प्रिंसिपल इज टू अमाउंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 4:5. सो अगर मैं प्रिंसिपल को लिख लू 4x एंड अमाउंट को लिख लू 5x, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, अब आपको पता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो दैट गिव्स अस 5x माइनस 4x मींस x. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो यहां पे आ गया हमारे पास वो आ गया x. अभी पहले भी हमने ऐसा केस बताया है. ठीक है, अब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी इनटू r इनटू t बाय 100. सो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, x. प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 4x. रेट वी हैव टू फाइंड आउट, टाइम वी डोंट नो, अपॉन 100. एक्स से एक्स कैंसिल, 4 से 100 कैंसिल. सो यहां से हमारे पास क्या आ गया, आरटी इज इक्वल टू 25. तो आरटी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे, ये आर इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे. तो दैट गिव्स अस आरटी इक्वल टू 25. अब साथ ही नेक्स्ट क्या केस बोला है, आफ्टर थ्री ईयर्स प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बन जाता है, 5:7. तो सेम केस हो गया, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट जो दिया हुआ है वो हो गया 5:7. इसका मतलब इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x. मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 7 और 5 का बीच में डिफरेंस है 2, और x के वेरिएबल में ले रहे थे जैसे हमने यहां पे लिया हुआ था 5x और 4x, ये हो जाएगा 2x. तो सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स पीआरटी बाय 100, सेम वही फॉर्मूला. मैं कॉन्सेप्ट को साथ साथ क्लियर कर रहा हूं. तो इंटरेस्ट हो गया यहां पे 2x, तो यहां पे लिख दिया 2x. प्रिंसिपल यहां पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा. सो इट बिकम्स 5x इनटू रेट वी हैव टू फाइंड आउट, और टाइम जो है वो बोला आफ्टर 3 इयर्स. ये बात ध्यान रखनी है, आफ्टर 3 इयर्स. तो पहले जितना भी था, पहले टी इयर्स था ये. सो अब बोला है 3 इयर्स मोर, तो यानी कि t+3. ये बोला ना आफ्टर 3 इयर्स, तो पहले का टी तो टी आएगा, प्लस 3 इयर्स उसमें और जुड़ जाएगा आफ्टर 3 इयर्स मीन्स. ठीक है, अपॉन में 100. बस इसे सॉल्व कर देंगे, एक्स एक्स कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल, तो आ जाएगा 20. 20 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 40.
इज इक्वल टू आर को हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा आर टी प्लस 3R। ओके, अब आर टी की वैल्यू यहां पे देखिए 25 आया हुआ है, इसको यहां पे पुट अप कर दीजिए, 25 बना दीजिए इसको, इज इक्वल टू 40 प्लस 3R। बस यहां से हमारे पास 3R की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई, क्योंकि 25 उधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 40 माइनस 25 बिकम्स 15। ठीक है, तो देयरफॉर आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15/3 मीन्स 5%। सो आर इज इक्वल टू 5% आंसर आ गया, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। गॉट माय पॉइंट, बस इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, हो जाएगा। कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं दोबारा से क्लियर करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स द अमाउंट विल बिकम 2000। इसका मतलब हो गया, अगर मैं बोलूं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स, फर्स्ट 10 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स हमारे पास क्या आएगा, दैट इज पी 1000 है ये रहा, ठीक है, आर 5% ये रहा, राइट, इनटू में टाइम हो गया 10 ईयर्स अपॉन 100। सो इसे सॉल्व कर लिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इट बिकम्स 500। इसका मतलब हमारे पास 10 साल के लिए इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ₹500। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे क्या बोला है, एड करने को बोला है, इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, तो अगर मैंने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को एड कर दिया तो इट बिकम्स 1000 प्लस 500, दैट विल बी इक्वल टू 1500। ओके, नाउ इट मींस प्रिंसिपल आफ्टर 10 ईयर्स, प्रिंसिपल आफ्टर 10 ईयर्स अब कितना बन जाएगा, एड करके 1500 बन जाएगा, ठीक है ना, यही बोला ना, प्रिंसिपल आफ्टर 10 ईयर्स जो है 1500 बन जाएगा। अब हमें क्या बोला कि अमाउंट कब 2000 बन जाएगा, तो एक बात बताइए, अगर मेरे को 2000 इसमें बनाना है तो इंटरेस्ट क्या बचेगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट, अगर 2000 है मेरे पास, ये 2000 लिख दिया और प्रिंसिपल को मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना बचता, ₹500। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये ₹500 का भी इंटरेस्ट कितने साल में कवर हो जाएगा कि ये 2000 बन जाएगा। इट मींस सीधा सीधा हिसाब है कि इंटरेस्ट हो गया आपके पास दिस, और प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपके पास 500। ठीक है, और प्रिंसिपल आपकी बार कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा आपके पास, ये पी आर लिख देते हैं, प्रिंसिपल हो जाएगा 1500 एड ऑन होने के बाद। ठीक है ना, 1500 इंटू में R है वही 5% इंटू में T हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100, राइट। सो इसका मतलब अगर मैं इस I के जगह 500 को लगा दूं, सो इट बिकम्स 500 इज इक्वल्स टू 1500, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इतनी बात लिख रहा हूं, अपॉन में 100, राइट, ये 0 से 0 कैंसिल, राइट, 5 से इसे कैंसिल कर दिया तो इट बिकम्स 100। सो हमारे पास क्या आ गया है, फाइनली हमारे पास आ गया है 100 इज इक्वल्स टू 15t। सो इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स 100 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2t, तो 5 3 5 20, तो इसे डिवाइड कर लेंगे तो 3 6 18, 2/3 ईयर्स। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, 6 2/3 ईयर्स। इसका मतलब क्या ठहरता है, इसका मतलब ये ठहरता है कि देखिए ₹1500 तो वो प्रिंसिपल बन जा रहा है कितने साल में, 10 साल में। ठीक है ना, तो यानी कि पहले का तो 10 ईयर्स आपके पास है ही, ठीक, प्लस बाकी का ₹500 जो है वो कितने साल ले रहा है कवर करने में 2000 को, 6 2/3, यानी कि फाइनली हमारे पास जो टाइम आ रहा है, एक्चुअल टाइम वो आ रहा है हमारे पास कितना, 10 प्लस 6 2/3, इट मीन्स 16 2/3 ईयर, इट मीन 16 2/3 ईयर। तो ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है ना, मैं यहां पे नोट डाउन कर दे रहा हूं, ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, बात क्लियर हो गई, तो पहले जो है 2000 में से 1500 तो कवर कर गया वो 10 साल में यहाँ पे, और बाकी का जो ₹500 रह गया था, ठीक है ना, ये जो ₹500 रह गया था, इस ₹500 को उसने कवर किया कितने, 6 2/3 ईयर्स में, तो टोटल जुड़ के ये कितना हो गया, 16 2/3 ईयर्स में टोटल जो है
1000 becomes 2000, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आप ए पर्सन इन्वेस्टेड मनी इन थ्री डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है, फॉर 6 ईयर, 10 ईयर एंड 12 ईयर्स, और 10%, 12%, 15% रेस्पेक्टिवली सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्होंने जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, हर बार जो भी इन्होंने लगाना है, जो भी इंटरेस्ट इनको मिलेगा, वो सारा जो है एट लास्ट सेम निकलेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप पहले के प्रिंसिपल को ले लो एक्स, ठीक है, दूसरे के प्रिंसिपल को ले लो वाई, और तीसरे के प्रिंसिपल को ले लो जेड, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपल इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो आपके पास इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखिए बात को समझिएगा, P हो गया x इंटू पहले वाले के लिए R है 10 इंटू पहले वाले के लिए टाइम है 6 ईयर्स, ओके, बाय 100, ओके, और इक्वल बोला, ये इक्वल बोला, तो इक्वल टू दूसरे वाले के लिए प्रिंसिपल क्या होगा y इंटू रेट परसेंट कितना होगा 12 इंटू टाइम कितना होगा 10 ईयर्स, ओके, बाय 100, एंड इक्वल टू थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल z इंटू में रेट परसेंट कितना हो जाएगा 15 और इंटू टाइम इसमें कितना दिया हुआ है 12 बाय 100। अब क्योंकि तीनों इंटरेस्ट सेम थे, यहां पे बोल दिया सेम इंटरेस्ट, इसीलिए इनको हमने इक्वल में रख लिया, ठीक है। बस यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर हमें पता लग जाएगा, बस अभी से सॉल्व कर देंगे। अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर में 100 100 100 है, तो आप इसे हटा दे तो आपके पास आ जाएगा 60x is equals to 120y is equals to 15 into 12 becomes 180 180z, ठीक है। अब देखिए तीनों में जीरो है, जीरोस को कैंसिल कर दीजिए, और 6 1 6 2 और 6 3 18 होता है, इट मींस x is equals to 2y is equals to 3z हमारे पास आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, x upon y is equals to 2 by 1 आप बोल सकते हैं, एंड y अपॉन में z इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 आप बोल सकते हैं। पहले आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया दिस वन, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों को, मैं दूसरे पेन से लेता हूं दूसरे कलर से, उसके बाद किया इन दोनों को कंपेयर तो आपको मिल जाता है ये वाला पार्ट, ओके। अब आप ध्यान से देखिए दोनों ही केस में y और y कॉमन है ना, तो एक काम करते हैं दोनों चीजों को सेम बनाना, यानी दोनों वाई को सेम बनाना। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दू, मतलब मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइड बाई 3 कर दू, सो इट बिकम्स एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 6 बाई 3, ये बन जाता है, ये 6 बाई 3 बन जाता है। आप ध्यान से देखिए वाई इक्वल टू 3 है और यहाँ पे भी वाई इक्वल टू 3 है, इट मीन सेम हो गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 6 इज टू, क्योंकि x था 6 यहाँ पे, 6 इज टू, y है 3 और 3 मतलब सेम है, तो 3 इक्वल टू z कितना है 2, तो हमारे पास रेशियो क्या बन गया 6 इज टू 3 इज टू 2, दैट विल बी आर आंसर, सो ऑप्शन डी इज आर आंसर, यू गॉट माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आ गया, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। A borrows rupees 800 at the rate of 12% per annum, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में, एंड B borrowed rupees 910 at the rate of 10% per annum, सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी इयर्स विल देयर अमाउंट्स बोला है ऑफ डेट बी इक्वल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो यहां पे सबसे पहले वाले केस में 800 है प्रिंसिपल, तो दैट कम्स 800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा इसका, इसमें क्या केस बनेगा, P जो कि 800 है इंटू R, R हो गया 12% राइट, इंटू T हमें निकालना है इन हाउ मेनी इयर्स, ठीक है ना, T हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन में 100। एक तो अमाउंट ये बन गया आपके पास, ठीक है, किसके लिए, A के लिए, और अब बी के लिए अमाउंट जब बनाएंगे तो बी के लिए अमाउंट ठीक इसी तरीके से बनेगा कि प्रिंसिपल, यहां पे प्रिंसिपल है 910, तो 910 प्लस 910 पी इंटू आर, इसमें दिया हुआ 10% और टाइम हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन में 100, और ये दोनों अमाउंट जो है ये इक्वल हो जाएंगे, यही बोला गया है क्वेश्चन में, तो फिर टाइम यहां से इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहां पे कैंसिल हो गए, यहां पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहां पे आ गया आपके पास 800
प्लस 12 8 96 t, और यहां पे बचा है 910 प्लस 91 t। अब क्या करेंगे, t को t के पास ले जाएंगे और नंबर को नंबर के पास ले आएंगे, तो यहां 96 t के साथ जब ये आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो इधर आके 91 माइनस में आ जाएगा, और यहां 910 के साथ जब हम 800 को लिखेंगे तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, यानी साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। सो इट बिकम्स 5 t, और ये आ जाएगा आपके पास 0 1 1 5, से इसे हम डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, तो 5 2 10 एंड 5 2 10, देयरफॉर टाइम कितना लग रहा है आपके पास, 22 ईयर्स। इट मीन्स इन 22 ईयर्स ए का अमाउंट बी के अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। सो आंसर इज 22 ईयर्स, यानी ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहे, रिवाइज करते रहे, आपका कंप्लीट कोर्स कॉन्सेप्चुअल वे से क्लियर हो जाएगा, और जिनको आता है डेफिनेटली वो रिवाइज करे एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करे, जिससे कि कंपटीशन करने का मजा आए, राइट। चलिए आज का सेशन मैं यही ओपन कर रहा हूँ, और इसी के साथ मैं सभी को बोलूंगा कि मेरे चैनल को डेफिनेटली आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे कि कॉम्पिटिशन का मजा आए, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड से भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, सो दैट मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल हाजिर कर सकूं आने वाले टाइम पे। ओके, सो आज का सेशन यहीं ओवर कर रहे हैं, आते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।